गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सौरभ सुभद्रा प्रधान। देखिए आज सुबह सौरभ थोड़ा जल्दी तैयार हो गया था, इसलिए नीचे आके अभी खेल रहा है। अभी तक उसका गाड़ी नहीं आया है उसको लेने के लिए। कैसा लग रहा है फ्लावर बाबा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। डोंट टच, प्लक प्लक मत करो। वाह ब्यूटीफुल फ्लावर। मामा क्या हुआ बाबा? मैं जब पहले यहाँ पे पक्षी देखने गया था ना, हाँ? तो इस मटके के अंदर एक लव बर्ड घुसा था। लव बर्ड? हाँ, और उसके अंदर मैंने उसका नेस्ट और अंडे देख लिए। हाँ? छोटे छोटे थे। अभी नहीं है लव बर्ड, देखो। अरे यही तो है ये? हाँ घूम रहे हैं। कहाँ है? यहाँ से जो लाल रंग के पक्षी है वही, इसी के अंदर इसका नेस्ट है। सुबह सुबह उठ के सब खाना खा के फिर खेलते हैं। इनमें से एक रेयर स्पीसीज है व्हाइट कैनरी। देखिए ये कैनरी और यहाँ पे लवबर्ड और नीचे कॉकटू, बहुत बड़े बड़े लवबर्ड है। हाँ ये बड़े बड़े हैं, ये भी पैरट फैमिली के हैं। सुपर उम्ब्रेला कॉकटू कहते हैं। ये वाला कौन है? कॉकटू। कॉकटू बिल्कुल पैरट फैमिली के हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेमन, और एक लेमन इतना छोटा है। नहीं डोंट टच बाबा, बहुत बड़े बड़े लेमन है। वो भी टूट गया था, निकल गया। अब एक और रोज जीते रहा है, यहाँ से निकल गया। सौरभ अभी स्कूल चला गया है और देखिए हम दोनों यहाँ पे अभी बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। चाय के साथ पूरी मिक्सचर। अचानक से कल सत्संग भी लेके आए थे उड़ीसा से, मेरे फेवरेट है। चाय तो पीजिए, मोबाइल में बीजी, सुबह सुबह मोबाइल पे बीजी। तो गाइस मैं चाय पी के आप लोगों के साथ बात करती हूँ। चाय देखिए सुबह सुबह सत्संग जी आलो भरा प्लान का क्लीनिंग कर रहे हैं। मेरे लिए कट करके लाइए। एक बड़ा सा देखिए, इसको आज मैं एक बढ़िया सा फेस पैक बना के लगाऊंगी। इतना क्यों कट के? इतना क्यों कट के? एक में आपको लगाना है? इसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दो। आलू बरा का लिप बहुत गंदा हुआ है, मैं इसको क्लीन करके एक बढ़िया सा पैक फेस पैक में बनाऊंगी। होममेड फेस पैक मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर कर दूंगी। आप भी आपके घर में अगर आलू बरा लिप होगा तो आप भी मेरे से बना के फिर घर में फेस पैक बना के भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, आप इसको थोड़ा क्लीन कर दीजिएगा। देखिए सत्संग जी अभी बैठ के हैं, वो उसको आलू भरा लिप को क्लीन करके उसके अंदर जो देखिए व्हाइटिश पोर्शन है, दिखाइए थोड़ा, जो पोर्शन है उसको निकाल रहे हैं। आलू भरा लिप बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, आपके घर में अगर है तो आप लोग भी ऐसे करके यूज कर सकते हैं। देखिए मैं सुबह सुबह एक बढ़िया सा सब्जी बना रही हूँ, और यहाँ माँ जो तीता साग दी थी उसका मैं उसको ले, देखिए तीता साग को मैं क्लीन करके रखी हूँ अभी। और यहाँ पे आलू और बैंगन को
कट करके रखी हूँ। यहाँ पे देखिए मस्टर्ड का एक पेस्ट बनाई हूँ, इसमें मस्टर्ड, जीरा, लाल मिर्च, गार्लिक सब कुछ मैं यूज़ करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाई हूँ। अभी मैं बड़ी को फ्राई कर रही हूँ, बड़ी को फ्राई इस सब को यूज़ करके मैं आज एक बढ़िया सा तीता साग का सब्जी बनाऊँगी। देखिए ये तीता साग माँ दी थी, माँ भेजी थी गाँव से। अभी देखिए मैं तीता साग और बड़ी को फ्राई कर ली हूँ, अभी बैंगन और आलू को फ्राई कर रही हूँ। अभी अभी मैं उसमें जो मस्टर्ड पेस्ट बना के रखी थी, अभी मस्टर्ड पेस्ट में आ गया। बहुत ही बढ़िया सब्जी है, आप भी घर में बना के इसको खा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड की हूँ। ये डिश स्पेशली गांव में ही, ज़्यादातर गांव में ही बनता है, लेकिन सत्संग जी लेके आए थे, माँ इतने प्यार से भेजी थी, तो मैं माँ से पूछ के ही आज ये डिश बना रही हूँ। मैं बहुत बार इस डिश खा चुकी हूँ, माँ बनाती है, सो फिर आज मैं पहली बार बना रही हूँ। अभी उसको कवर कर, उसमें बड़ी को ऐड कर दी। बड़ी के बाद एक फ्राइड तीता साग है, अभी उसको ऐड कर देती हूँ इसमें। एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, जो मेरे उड़ीसा के व्यूअर हैं उनको तो पता है ये रेसिपी, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं आप लोग ऐसे करके तीता साग का सब्जी आप बना सकते हैं, बना के घर में खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी भी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं उसको थोड़े टाइम के लिए कवर कर देती हूँ। देखिए अभी हमारा बन गया है आलू बड़ी और तीता साग का सब्जी। अभी ससांग जी इसको टेस्ट करके फिर बताएंगे कि कैसा बना है सब्जी। ससांग जी अभी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, चलिए पूछते हैं आज तीता साग का सब्जी कैसा हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा हुआ है। टेस्टी है। और एक बार टेस्ट करके बताइए। अच्छा लगता है, ये विलेज फूड है ना। ससांग जी अभी बाहर निकल गए हैं ऑफिस के लिए, और आप लोगों के साथ मुझे होममेड फेस पैक शेयर करना था, तो इसलिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ मैं अभी ला के रखी हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या ज़रूरत पड़ता है इस होममेड फेस पैक बनाने के लिए। देखिए जो आलू वगैरह लीप को ससांग जी सुबह कट करके रखे थे, देखिए इसमें से जो उसका जो व्हाइटिश पोर्शन है सब कुछ ससांग जी निकाल के रखे हैं इसको। और ये है हल्दी, ये देसी हल्दी है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, माँ भेजी थी गांव से। और हनी, ये तीनों चीज़ यूज़ करके मैं आज एक होममेड फेस पैक बनाऊँगी।
मुझे इतना सारा एलोवेरा की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी और बाकी जो है उसको बाद में यूज़ करने के लिए मैं उसको फ्रीज में रख दूँगी। आप चाहे तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, उसको हाथ में मैश करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ग्राइंड भी करके उसका एक फाइन पेस्ट भी बना के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम अभी बाकी है करने के लिए। लिमिटेड टाइम के अंदर मुझे बहुत सारा काम करनी है। अभी मैं उसको सिर्फ हाथ में ही मैश कर देती हूँ। मैश करके मैं फेस पैक बनाऊँगी। और आप चाहे तो हनी के जगह दही भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दही में साइट्रिक एसिड रहता है ना, वो साइट्रिक एसिड फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे फेस पैक में बनाती हूँ। देखिए भाई, ये बहुत बहुत सारा एलोवेरा है। मैं इतना सारा एलोवेरा यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए बस थोड़ा सा ही मुझे यूज़ करनी है। सो इसलिए मैं दूसरे एक बोल में इसको रख दे रही हूँ फ्रीज में। उसको मैं प्रिजर्व करके रख दूँगी, बाद में मैं इसको यूज़ करूँगी। और देखिए अभी मैं उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दे रही हूँ। लड़का लड़की सब इसको घर में यूज़ करके घर में बना के यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हनी, आप अगर लड़का हो तो आप लोग हल्दी को स्किप कर सकते हैं। इसमें बस एलोवेरा हनी और हनी के प्लेस में आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको मैश कर दे रही हूँ। आप चाहे तो इसको ग्राइंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना सकते हैं। अभी देखिए एक बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। आप एक वीक में 2-3 बार ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से फेस का ग्लो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ये सब करने के लिए। लेकिन मुझे फेस पैक पता था, इसका प्रोसीजर पता था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की क्योंकि आप लोगों को थोड़ा मदद मिल जाएगा। आपके पास अगर ज़्यादा वक्त है तो आप लोग ऐसे करके घर में इस तरह सा फेस पैक बना के आप यूज़ कर सकते हैं। आप बना के यूज़ कीजिए और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप फर्क महसूस करेंगे। नाना बहुत ही सिंपल है और आप इसको आपके फेस में और नेक में और हाथों में भी लगा सकते हैं। लगाने से स्किन का जो ग्लो होता है वो ग्लो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, क्योंकि एलोवेरा को लगाने से फेस में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। उसके ऊपर हल्दी और हनी भी उसका बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक गुण है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही बनाइए। आपके पास अगर टाइम है तो आप लोग वीक में 2-3 बार ऐसे पैक बना के यूज़ कीजिए, तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि ये फेस पैक का कमाल। चलो क्या बताओगे, क्या कुछ हुआ है क्या स्कूल में? नहीं, गाड़ी में 3 बच्चे शोर कर रहे थे, इससे मेरा सर दर्द करने लगा। इतना जोर से शोर किया कि आपका सर दर्द कर क्या? हाँ, कब से सर दर्द किए जा रहा है। ओहो, मेरा बेटा का सर दर्द कर रहा है। अभी देखिए स्कूल से आते ही बदमाशी स्टार्ट हो गया। हालत देखिए, ये जाके गंजी जाके उधर, और देखिए पैंट देखिए किधर, पैंट का हालत देखिए और शर्ट को देखिए कहाँ पे पड़ा है। आपको दिखाऊं नंगी हुई हो? दिखाऊं? नहीं दिखाऊं? नहीं। देखिए और टाई और चड्डी को देखिए कहाँ पे, दिमाग खराब करके रखा है लड़का। आते ही बदमाशी स्टार्ट। दिखाऊं आपको लगे हुए हो? नहीं 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 नहीं। देखिए लड़का स्कूल से घर वापस आते ही उसका बदमाशी स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही दिन भर मेरी दिमाग खराब करके वो रखेगा। जब तक नहीं सोएगा तो तब तक शांति नहीं।
सो अभी मुझे उसको नहलाना है, खाना खिलाना है, फिर उसको सुलाना है। सुबह का एक फेज का काम कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा फेज स्टार्ट होगा। सो गाइस, आज का ब्लॉग को मैं ही पर एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।